नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर से रूबरू कराएंगे। ये आज का दैनिक जागरण पेपर में दिया हुआ है, तो देखिए इसमें क्या है। मासूम बंसिका की मौत के बाद माता पिता ने उसका नेत्रदान। माँ बोली, मुझे अपनी बेटी को जिंदा रखना है। चलिए मैं एक खबर पढ़ करके आपको सुनाता हूँ। लोग अपनों की मौत के बाद टूट जाते हैं, और जब एक बात एक मासूम की मौत से जुड़ी हो तो समझ सकते हैं उसके माता पिता की क्या स्थिति होगी। लेकिन गुमला के एक दंपति ने साहस दिखाते हुए एक जागरूक नागरिक के तहत मानवता के लिए मिसाल पेश की है। गुमला में बैंक में कार्यरत सुलेखा पन्ना ने अपनी 2 साल की बेटी बंसिका की मौत के बाद उसका नेत्रदान किया। बच्ची की मौत के तुरंत बाद सुलेखा ने अपने पति चंद्र प्रकाश से कहा कि अपनी नन्ही परी को तो मैं नहीं बचा सकी, लेकिन मुझे उसे जिंदा रखना है। जिस किसी को भी ये आंखें प्रत्यारोपित की जाएगी उसमें मेरी बेटी जिंदा रहेगी। मौत के बाद भी उसकी आंखों में झांक सकूंगी। उसके बाद दंपति रांची के कश्यपाई हॉस्पिटल पहुंची और 2 साल की मासूम बच्ची का नेत्रदान किया। इतनी छोटी बच्ची को आंखें रांची में पहली बार दान की गई है। कश्यप अस्पताल में दोनों कर्निया सफलतापूर्वक डॉक्टर निधि की देखरेख में निकाला गया। इसमें से एक कर्निया का प्रत्यारोपण आयुष्मान योजना के तहत एक बच्चे में प्रत्यारोपित भी कर दिया गया है। वहीं एक कर्निया सुरक्षित रखा गया। मेरी बेटी आज भी दुनिया देख रही है। गुमला के रहने वाले चंद्र प्रकाश व सुलेखा पन्ना ने मिसाल पेश की है। शुक्रवार देर शाम गुमला स्थित अपने घर में ही बच्ची बंसिका खेलने के क्रम में गिरकर चोटिल हो गई। उसके सिर में गहरी चोट लगी। वहाँ स्थानीय स्तर पर दिखाया, लेकिन हालात गंभीर होते देख उसे रांची रेफर कर दिया गया। परिजन उसे जल्द से जल्द गुमला से रांची स्थित रानी अस्पताल में ले आए। अस्पताल पहुँचते ही डॉक्टर ने उसे बच्ची को मृत घोषित कर दिया। बच्चों की मौत की खबर सुनकर पिता चंद्र प्रकाश व माँ सुलेखा पन्ना कागजी प्रक्रिया करना छोड़ सबको लेकर कश्यप मेमोरियल हाई हॉस्पिटल आई। तत्काल बच्ची का नेत्रदान की इच्छा जताई। अस्पताल प्रबंधन से माता पिता ने कहा, ये मौत के बाद भी अपने बच्चों को जिंदा रखना चाहते हैं। बच्ची तो नहीं है, कम से कम उसकी आँखें तो जीवित रखकर दुनिया देख सकेगी। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये कितनी अच्छी खबर है और कितनी मानवता की मिसाल पेश की गई है एक माँ पिता के द्वारा, जो कि उसकी बच्ची 2 साल की बच्ची खेल के दौरान अपना जीवन खो बैठी। और इसमें डॉक्टर भारती कश्यप डॉक्टर क्या कहते हैं, बच्ची के माता पिता नेत्रदान कर सभी के लिए मिसाल पेश की, ताकि अपनों के जाने के बाद भी वे इस दुनिया को उनकी आंखों से देख सके। यह पहली बार हुआ है जब इतनी छोटी बच्ची का नेत्रदान किया गया है। ये सफलतापूर्वक निकाल कर संरक्षित कर दिया गया। इस कर्निया की जरूरतमंद को तत्काल प्रत्यारोपित किया गया है। वहीं एक को संरक्षित रखा गया है।